जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। तो आज हम देखने वाले हिंदी युवक भारती 11th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो हिंदी युवक भारती का पहला आपको पोयम दिया गया है प्रेरणा, जिसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। ठीक है, तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे, यानी प्रेरणा जो आपका कविता है त्रिवेणी के रूप में दिया गया है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखो, और कोई डाउट है तब कमेंट में आप लिख कर पूछो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ वीडियोज़ अवेलेबल है। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अ है कारण लिखिए, यानी आपको कारण लिखनी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कारण लिखिए का, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, आंसर लिखेंगे, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है क्योंकि उसकी ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपको दिया गया है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, पिता के ऑफिस में दिन की शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों से रात को मिलते हैं, और माँ की ऑफिस में रात की शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों से दिन में मिलती हैं। इस तरह बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। ये इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण लिखिए। कारण लिखिए का तीसरा क्वेश्चन था, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। तो इसके पीछे का कारण था, यानी इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं क्योंकि उसने अपनी आंखों में स्वयं को एक बालक के रूप में पाया। यह आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने कारण लिखिए के तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको आ क्वेश्चन दिया गया है, लिखिए, यानी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे परिणति दिया गया है और तीन दिए गए, और आपको उन तीनों के आंसर्स लिखने। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। तो आंसर है, परिणति यहाँ पे दिया गया है, और पहला लिखा हुआ है चोट खाने की, तो आंसर लिखेंगे जीने की कला सीखना। दूसरा है अंधेरा होने पर भी आस रखने की, तो आंसर लिखेंगे किसी रोज़ उजाला होना। तीसरा है एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की, तो आंसर लिखेंगे हर कदम पर रोशनी होना। ठीक है, तो ये जिसका आंसर आपको बताया है जहाँ तक वही लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आंसर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है काव्य सौंदर्य से। दूसरे का अ है, ममता का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। यानी कि जो ममता का भाव है प्रकट करने वाला, यानी उसका भाव प्रकट हो रहा है, वो त्रिवेणी आपको कविता के अंदर से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, सो मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर लिखेंगे, ऊपर आप हेडिंग में डालेंगे त्रिवेणी। ठीक है, और आंसर लिखेंगे, मेरी माँ बेवजह ही रोती है, टेलीफोन पर भी बात करते हैं। उसके बाद तीसरी लाइन है, टेलीफोन पर मैं भी रोता हूँ। तो यही जो त्रिवेणी है जिसमें ममता का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। आ क्वेश्चन दिया गया दूसरे का, यानी दूसरे का दूसरा दिया गया है, निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छाट कर उसे स्पष्ट कीजिए। यानी कि तीन आपको दिए गए हैं, ये ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं, इसके अंदर से आपको, मतलब इन पंक्तियों के अंदर से आपको प्रतीकात्मक पंक्ति छाट कर लिखना है। ठीक है, उसकी मीनिंग आपको बताना है। आपका जो आ क्वेश्चन है दूसरे का, उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे, राइट, उसमें आपको सेलेक्ट करके बताना था। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आंसर में लिखेंगे, दी गई पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति, रात की कोख ही सुबह जन्म लेती है। इसका स्पष्टीकरण है, कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को महत्व प्रदान किया है।
कवि कहते हैं कि यदि रात ना होती तो सुबह ही नहीं हो सकती थी। इस तरह उन्होंने सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को प्रतिपादित किया है। इसके लिए सुबह का जन्म रात की कोख से होना जैसे प्रतीक का उपयोग किया है। जैसे माता की कोख से बालक का जन्म होता है कवि ने, ठीक उसी तरह रात की कोख से सुबह का जन्म होता हुआ दर्शाया है। इस तरह कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का प्रयोग किया है। तो ये आपके आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अभिव्यक्ति से, जो कि आपका थर्ड में दिया गया है। थर्ड का और यानी कि पहला क्वेश्चन है, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पालना घर आधुनिक युग की देन है। आज के ज़माने में संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और टूटते जा रहे हैं। आज के परिवार पति पत्नी और बच्चे या बच्चों में सीमित हो गया है। शहरों में ऐसे पति पत्नी के सामने अपने शिशुओं को देखभाल करने की समस्या खड़ी हो गई है। जिनमें से दोनों काम करते हैं, काम पर चले जाने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करने वाले कोई नहीं रह जाता। ऐसे लोगों को मजबूर होकर अपने छोटे बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है। आज इस समस्या से पीड़ित दंपतियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसीलिए नौकरी पेशा लोगों के बच्चों की देखभाल करने वाले के रूप में पालना घर जरूरत बनते जा रहे हैं। पालना घर में लोग अपने बच्चों को लेकर निश्चित होकर अपने काम पर जा सकते हैं। पालना घर में महिला संरक्षिका इन बच्ची के खान पान तथा मनोरंजन आदि की देखभाल करती हैं। पालना घरों का कर्तव्य है कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा समय समय पर उनके नृत्य कर खाने पीने तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था करें। पर कुछ पालना घर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें प्रतिपीड़ित करने के भी समाचार मिलते हैं। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। पालना घर समय की मांग है और अधिक से अधिक अच्छे पालना घर खुलने चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, यानी स्टॉप करने की ज़रूरत है। पालना घर से आप लोग समझ में आ ही गया होगा किसको बोला गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। आपके सेकंड क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर है, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर ये रहा। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नौकरी पेशा अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय की होती है। उन्हें अपना अधिकांश समय कार्यस्थल पर देना होता है, इसीलिए चाहकर भी उनके लिए अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय निकालना संभव नहीं होता। ऐसी हालत में बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसे बच्चे को अपने माता पिता का वैसा प्यार और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जैसा प्यार और मार्गदर्शन अन्य आम बच्चों को मिलता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक इन बच्चों का संपर्क अपना देखरेख करने वाली आया तरह तरह के बच्चों और स्कूल के शिक्षकों से होता है। ऐसी हालत में कभी कभी उनमें गलत आदतें पड़ना, गलत लोगों के संपर्क में आने आने स्वभाव चिड़चिड़ा होने, अभिभावकों से विद्रोह करने, भली भांति पढ़ाई ना हो पाने, बुरी लत का शिकार होने तथा निरंकुश होने जैसी बीमारी बुराइयाँ आने की संभावना होती है। इसीलिए नौकरी पेशा अभिभावकों को जितना भी समय मिले उसे अपने बच्चों के पालन पोषण या फिर लालन पोषण तथा उनकी देखरेख में लगाना चाहिए और उन्हें बुरी आदतों का शिकार होने से बचाना चाहिए। ठीक है, यह आंसर है आपका, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रसस्वादन से। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको स्पष्ट करना है कि जो आधुनिक जीवन है उसके जीवन शैली के कारण जो निर्मित समस्याएं होती है
उनसे जूझने की जो प्रेरणा है वो आपको कविता के अंदर त्रिवेणिया दिया गया, उनमें किस त्रिवेणियों में दिया गया वो आपको लिखना है, उसको स्पष्ट करना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। आंसर है त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नए काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा। शीर्षक कविता में सीधे साधे शब्दों के अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़ता पूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है, इसीलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इसमें माता पिता तथा इन युवक युवतियों के बीचों का दुख सहना पड़ता है। प्रस्तुत कव्य में इस बीच के दुख और उससे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, पर उसकी सिसकियाँ रुकती नहीं। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, पर वह इस समस्याओं का सामना करता है और बीजों को दुख भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों से एक साथ न मिल पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उसका उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। जीवन यात्रा में ठोकरों खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वालों को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है सुरखड़ो, होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कभी बुरे दिन आने पर निराश ना होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। रात को कोख ही से सुबह जन्म लेती है, पंक्ति में इसी की प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कभी उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इन त्रिवेणियों से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जन्म लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जन्म आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा ना होता है जन्म में। ओके, तब आंसर आप कैसे लिखोगे? पहले आप लोग ये स्लाइड लिखेंगे, पहले आप लोग ये स्लाइड लिखेंगे, उसके बाद ये स्लाइड लिखेंगे, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा दिया गया है जानकारी दीजिए। अ है त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। जो त्रिवेणी आपका कविता दिया गया जो है वो त्रिवेणी के रूप में दिया गया, तो उस काव्य प्रकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें से दो विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको दो विशेषताएं लिखनी थी, राइट? तो पहला लिखेंगे त्रिवेणी तीन पंक्तियों का मुक्त छंद है जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा लिखेंगे त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा और तीसरी पंक्ति में पहली दो पंक्तियों में छिपा भाव व्यक्त होता है। तो ये आपके आंसर है पहले का, ठीक है, मतलब कि इसका त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं का ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया आ त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं, इसमें भी आपको आंसर लिखना है, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, पहला लिखेंगे नींद की नदी कविता संग्रह, दूसरा लिखेंगे नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, तीसरा लिखेंगे सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह। ठीक है, ये त्रिपुरारी जी के अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए। सो यहाँ पर आपकी जो प्रेरणा, जो आपको त्रिवेणियाँ दिया गया था, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। वीडियो को एंड तक देखा होगा आप लोगों ने, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।